नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद उवैस और आप देख रहे हैं एनपीयू न्यूज़। आईआईटी रुड़की के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के छात्रों ने रुड़की शहर के नागरिकों के लिए एक नागरिक सेवा ऐप रुड़की सेवा लॉन्च किया है। ये ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध किया गया है। इसमें 30 से अधिक सेवाओं को चुना जा सकता है। आईआईटी रुड़की के छात्रों की इस पहल से शहरवासियों को काफ़ी लाभ मिलेगा। इस मौके पर आईआईटी रुड़की के निदेशक एके चतुर्वेदी, रुड़की मेयर गोयल गोयल और अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। आईआईटी रुड़की के सिविल इंजीनियर विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर सौरभ विजय और उनकी टीम ने इस ऐप का निर्माण किया है। इस ऐप के जरिए डॉक्टर से परामर्श के लिए समय लेने से लेकर कैब सेवा तक की सुविधा है। ये वन स्पॉट प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए यूजर एक जगह से प्रोफेशनल सहित प्रशिक्षित और सत्यापित सेवादाताओं से संपर्क कर सकता है। आईआईटी निदेशक प्रोफेसर चतुर्वेदी ने प्रोफेसर सौरभ विजय और उनकी टीम को बधाई देते हुए कहा कि आईआईटी रुड़की 75वीं सालगिरह पर शहर के लिए कुछ करना चाहता था जो जन उपयोगी हो। उन्होंने उम्मीद जताई कि रुड़की सेवा ऐप स्थानीय निवासियों को पसंद आएगी और उसके जरिए उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनेगी। देखिए, इसके अंदर ऐसा है, एक तो ये जो ऐप है बहुत बहुत सामान्य है, बहुत इसको ईजी टू यूज़ कर सकते हैं आप। डॉक्टर से लेके आप अगर इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर तक की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको 30+ सर्विसेज हैं और जिसमें मैंने आपको बताया कि ये एक दिन में बनी हुई है, एक हफ्ते में बनी हुई ऐप नहीं है। हमने रुड़की वासियों से बहुत बहुत ज़्यादा बात करी है इसमें 6-8 महीनों के अंदर और फिर उसको धीरे धीरे एक एक करके जोड़ा गया है। इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं, तो इसमें मुझे लगता है सर्विसेज बहुत ज़्यादा हैं और दोनों पे उपलब्ध है। और हम ये चाहते हैं कि हम भी कुछ रुड़की शहर के लिए कुछ कर सकें और हमको बहुत खुशी है कि हम लोग कुछ कर सके, इसमें एक छोटा सा योगदान दे सके अपने तरीके से। और अगर हमारे जो सिटीज़न हैं रुड़की के वो आगे आएंगे तो ये और ग्रो करेगा और अच्छा बनेगा। जितना ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करेंगे उतना ही अच्छा बनेगा। और हम चाहते हैं कि हमारे 175वें साल में हमारी खुशी और हमारा जो गौरव है वो रुड़की शहर के बिना अधूरा है, तो रुड़की शहरवासी हमारे गौरव और खुशी में शामिल हो, इसी का एक प्रयास है।